हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको आलू पराठे की रेसिपी सिखाने जा रही हूँ। आलू पराठा बनाने के लिए हमें सामग्री चाहिए 2 कप गेहूं का आटा, 3 बड़े साइज के उबले हुए आलू, 3 टेबलस्पून तेल, 2 टेबलस्पून बारीक कटी धनिया पत्ती, 2 कटी हरी मिर्च, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर। सामग्री हमने चेक कर ली है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आटा तैयार करेंगे। आटा तैयार करने के लिए 1 बर्तन में 2 कप आटा डाल दीजिए। अब आटे के अंदर डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और साथ ही में 2 टीस्पून तेल भी। ये मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है और साथ में 2 टीस्पून। और इसके अंदर अब पानी डाल देंगे और इसका एक आटा तैयार कर लेंगे। आटा ज्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा नरम भी नहीं। आटा हमारा तैयार है, इसे 1 से 2 मिनट और मसलकर अच्छे से आप चिकना कर लीजिए। इस तरह से आटे को हमने मसलकर थोड़ा सा चिकना कर लिया है। अब आप इसे कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए साइड में रख दीजिए। इसे मैं एक कपड़े से कवर कर देती हूँ और इसे हम साइड में रख देंगे। जब तक हमारा आटा रेस्ट हो रहा है, हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। आलू को छील के मैंने एक बाउल में डाल दिया है। अब इन्हें आप मैशर की सहायता से अच्छी तरह से मैश कर लीजिए। आलू को हमने मैश कर लिया है। इसके अंदर कोई भी आलू मोटा नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा आप। अब इसके अंदर हम बची हुई सामग्री भी डाल देंगे। सबसे पहले हम डालेंगे कटी धनिया पत्ती, साथ में कटी हरी मिर्च, नमक स्वाद अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और साथ में अमचूर पाउडर। सभी सामग्री डालने के बाद इन्हें अच्छी तरह से मिला लीजिए। इसे आप हाथ से मिलाएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सभी सामग्री अच्छी तरह से मिल जाएगी और मसाले भी हमारे आलू के अंदर अच्छी तरह से चले जाएंगे। आलू को हमने अच्छी तरह से मिला लिया है और स्टफिंग भी हमारी तैयार है। इसे हम साइड रखते हैं। अब आटे को चेक कर लेते हैं, जिसे रेस्ट किए हुए 20 मिनट हो चुके हैं। एक बार और आटे को मसल कर थोड़ा सा चिकना कर लीजिए और अब आटे में से गोलियां बनाना शुरू कर दीजिए। इसकी गोली थोड़ी सी लेमन की बॉल से थोड़ी सी बड़ी बनानी है, मतलब जब लेमन साइज के बॉल्स बनाते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। आटे की बॉल्स हमने बनाकर तैयार कर ली है, साथ ही साथ हम स्टफिंग की भी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। आप कितनी क्वांटिटी में स्टफिंग भरना चाहते हैं उस हिसाब से इन बॉल्स को तैयार कर लीजिए। स्टफिंग की बॉल्स भी तैयार है और आटे की बॉल्स भी हमारी तैयार है, तो चलिए पराठा बनाना शुरू करते हैं। एक बॉल लीजिए और उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटे को डस्ट करके इसके अंदर रोल कर दीजिए और हम इसे बेलेंगे। पूड़ी की साइज जितनी एक रोटी आप बनाकर पहले तैयार कर लीजिए और उसके अंदर स्टफिंग रख के उसे हल्का सा प्रेस कर दीजिए। अब हम एक कोना पकड़ेंगे और इसकी इस तरह से प्लेट्स बनाना शुरू कर देंगे। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं प्लेट्स बनकर आ चुकी हैं। इसी तरह से आपको सारी प्लेट्स बनानी है। अब हम पूरी रोटी की प्लेट बना लेते हैं। प्लेट बन चुकी है, इन्हें इकट्ठा कीजिए इस तरह से उंगलियों के बीच में दबाकर और इसे अब हल्का सा प्रेस कर दीजिए। ये देखिए, इस तरह से प्रेस करने के बाद दोबारा इसके ऊपर सूखा आटा डालिए और इसे इसमें रोल कर दीजिए और अभी से हम बेलना शुरू करेंगे। बहुत ही हल्के हाथों से बेलना है ताकि स्टफिंग हमारी निकलकर बाहर ना आए। अगर आप जोर लगाएंगे तो आपकी स्टफिंग बाहर निकलकर आ सकती है। ये पराठा हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तवा को हमने गरम कर लिया है, इसकी फ्लेम आप मीडियम कीजिए और इसके ऊपर पराठा डाल दीजिए। कुछ सेकंड के लिए पराठे को इसी तरह से रहने दीजिए। कुछ 30 से 40 सेकंड बाद आप देख सकते हैं ऊपर इस तरह से रंग बदल चुका है, उस टाइम पर आप इसे पलट लीजिए और ये देखिए इस पर किस तरह से ब्राउन स्पॉट्स आ चुके हैं। अब इसके ऊपर हम तेल लगा देंगे।
तेल हमने लगा दिया है, अब दूसरी साइड से भी हम इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ भी घी लगा देंगे। ये देखिए आप देख सकते हैं किस तरह से ये फूलने लग गया है, और इसे भी हल्का सा प्रेस करके सेक लेंगे। दूसरी तरफ पलट देते हैं और इस तरफ से भी सेक लेंगे। पराठा हमारा सिककर तैयार हो चुका है। मैं आपको दूसरी तरफ से भी दिखाती हूँ, कितनी अच्छी तरह से ये दोनों तरफ से क्रिस्प हो चुका है और साथ ही साथ सॉफ्ट भी है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और ये देखिए पराठा हमारा तैयार है। इसी तरह से आप और भी पराठे बनाकर तैयार कर लीजिए। फ्लेम मीडियम ही रखनी है और दूसरा पराठा भी डाल दिया है मैंने। टेस्टी और यम्मी आलू के पराठे हमारे तैयार है। इसे मैंने गर्मा गर्म बटर के साथ, साथ में आम का अचार और साथ में धनिया और पुदीने की चटनी दी है। आई होप आपको मेरी आलू के पराठे की रेसिपी पसंद आई हो, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई क्वेश्चंस आपको इस वीडियो से रिलेटेड तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इसकी इंग्लिश रिटर्न और हिंदी रिटर्न रेसिपी चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट के पेज पर विजिट करें जो कि है achalafood.com। वहाँ पर आपको रिटर्न रेसिपी विद रेसिपी नोट्स विद स्टेप टू स्टेप पिक्चर मिल जाएगी। टिल देन बाय बाय।